हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विथ मी में स्वागत है। और मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट स्टोरी से तरह से लेकर आती हूँ, और आज मैं फिर आप लोगों के लिए न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। और इस स्टोरी का टाइटल है द विकेडनेस ऑफ चिल्ड्रेन। विकेडनेस का मतलब होता है शरारतें, बदमाशी या बुराई इस तरह से। और ऑफ का मतलब होता है का, के, की। और चिल्ड्रेन यानी बच्चों की शरारतें। देयर लिव्ड सम फ्रॉक्स इन अ पाउंड। देयर का यहाँ कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, यहाँ बस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए देयर का यूज़ हुआ है। और देयर उस वक्त यूज़ होता है जहाँ पे किसी चीज़ का नाम नहीं होता, जैसे कि ये पाउंड कोई भी एक तालाब का एग्जैक्ट नाम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो है देयर यानी किसी भी तालाब में, यानी एक तालाब में कुछ फ्रॉग मेंढक रहते थे। सम बॉयज ऑफन बॉदर्ड दीज फ्रॉग बाय थ्रोइंग स्टोन्स एट देम। देखिए ऑफन का मतलब होता है अक्सर, और यहाँ टी साइलेंस है यानी ऑफ्टन नहीं होगा, ये ऑफन। ऑफन बॉदर्ड मतलब होता है परेशान करना, यानी अक्सर परेशान करते थे। दीज यानी देखिए यहाँ दीज इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि फ्रॉग्स है यहाँ। जब सब्जेक्ट एक से ज़्यादा होता है तो वहाँ पे दीज का यूज़ होता है, तो यानी फ्रॉग्स, दीज फ्रॉग्स यानी इन मेंढकों को अक्सर परेशान करते थे। बाई थ्रोइंग यानी बाई का मतलब होता है की तरफ से, यानी बच्चे जो है अपनी तरफ से क्या परेशान करते थे, थ्रोइंग फेंकते थे पत्थर, यानी उन पे हमेशा पत्थर फेंका करते थे। एट देम यानी उन पर, एट मतलब पर और देम मतलब उन पे। वन डे एज यूजुअल दे कलेक्टेड सम स्टोन्स एंड थ्रो देम ऑन द फ्रॉग्स। वन डे एक दिन, एज यूजुअल यानी हमेशा की तरह, दे उन्होंने कलेक्टेड जमा किया सम यानी कुछ स्टोन्स पत्थरों को, एंड थ्रो देम ऑन द फ्रॉग्स, और थ्रो मतलब फेंकना, और फेंका देम ऑन फ्रॉग यानी उन मेंढकों पर फेंका। द पुअर फ्रॉग्स वुड समथिंग जम्प आउट ऑफ द वाटर एंड समथिंग जम्प इन टू इट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। द पुअर फ्रॉग यानी बेचारे, पुअर का मतलब बेचारा या गरीब, तो यहाँ गरीब नहीं है, यहाँ बेचारा है इसका मतलब। बेचारे मेंढक समटाइम्स मतलब कभी, देखिए वुड का मतलब होता है जो चीज़ किया करते थे, जैसे किसी चीज़ को बताने के लिए कि वो किया करते थे, वहाँ पे वुड का यूज़ होता है। तो वो किया करते थे, क्या किया करते थे, पानी के ऊपर जंप, पानी के बाहर जंप करके आ जाया करते थे कभी कभी। एंड समटाइम्स जंप इनटू इट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, और खुद को बचाने के लिए कभी उसमें जंप करते थे, यानी कभी बाहर आते थे और कभी कभी उसके अंदर कूद जाया करते थे। यानी जब बच्चे उन पर पत्थर फेंका करते थे तो वो कभी पानी के बाहर आ जाया करते थे और कभी पानी के अंदर खुद को बचाने के लिए चले जाते थे। द विकेडनेस ऑफ दीज चिल्ड्रेन मेड द फ्रॉग्स क्रेव फॉर शेल्टर। देखिए क्रेव का मतलब होता है लालच, और शेल्टर का मतलब होता है आश्रय यानी पनाह। तो जैसे विकेडनेस यानी बच्चों की शरारतों ने मेड मतलब बना दिया था या कर दिया था मेंढकों को लालची, लालच हो रही थी आश्रय के लिए यानी पनाह के लिए, या किसी जगह के लिए, यानी वो चाहते थे कि वो कहीं और चले जाए, कहीं और आसरा ले ले। इन द मीनवाइल इस बीच में या इसी दौरान, एन ओल्ड फ्रॉक्स जम्प्ड आउट एंड स्कॉल्डेड द बॉयज। उसी दौरान एन ओल्ड फ्रॉग यानी एक बूढ़ा मेंढक
जम्प्ड आउट यानी कूद कर बाहर आया और स्कॉल्डेड यानी डांटा द बॉय यानी लड़कों को. स्टॉप इट बंद करो इसे. द गेम विच इज मेकिंग यू हैप्पी. देखिए विच का मतलब यहाँ पे हो रहा है जिस यानी जिस खेल से तुम्हें खुशी मिल रही है. मेकिंग मतलब बनाना यानी खुशी बन उन्हें जो है खुशी मिल रही है इसलिए यहाँ मेकिंग का यूज़ हुआ है यानी उन्हें खुशी मिल रही है. और देखिए ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन गया है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक इसलिए मैंने यहाँ पहले से ही लाइन को मार्क करके रखा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपका ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है. तो इसका ट्रांसलेशन देखिए यानी जिस खेल से तुम्हें खुशी मिल रही है कैन मेक अस इंजर्ड एंड इवन किल अस यानी कैन मतलब होता है सकना और मेक मतलब बनाना और अस मतलब हमें इंजर्ड हमें जख्मी कर सकता है एंड इवन यानी यहाँ तक हमें मार सकता है यानी जो है ये मेंढक बूढ़ा मेंढक जो है वो कूद कर बाहर आया और बच्चों को उसने डांटा और कहा स्टॉप बंद करो ये सब और जिस खेल से तुम्हें खुशी मिल रही है ये हमें जख्मी कर सकता है और यहाँ तक हमें मार सकता है. तो ये जो है मेंढक ने कहा. द चिल्ड्रेन हैड नाउ अंडरस्टूड. बच्चे अब समझ चुके थे. देखिए ये जो आपका ये सेंटेंस आपका बन गया है पास्ट परफेक्ट टेंस. देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए यहाँ पे हैड है और हैड के साथ जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है. जब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तब वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है. अंडरस्टैंड का ये थर्ड फॉर्म है यानी अंडरस्टूड. तो इसलिए जो है ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाया है यानी बच्चों को अब समझ में आ गया था. व्हाट द फ्रॉग सेड यानी व्हाट का मतलब यहाँ पे क्या नहीं है यानी यहाँ पे जो है जो मेंढक ने कहा. एंड फ्रॉम दैट डे यानी उस दिन से ऑनवर्ड आगे दे स्टॉप्ड यानी आगे उन्होंने बंद कर दिया. थ्रोइंग फेंकना स्टोन्स यानी पत्थरों को फेंकना बंद कर दिया इन द पाउंड यानी तालाब में. तो इसका मोरल देख लीजिए. तो ये देखिए यहाँ पिक्चर के साथ दिया हुआ है ये कुछ मेंढक्स है और ये तालाब है और बच्चे जो है यहाँ पत्थर फेंक रहे हैं. देखिए तो इसका मोरल है नेवर डिस्टर्ब Others to please yourself यानी कभी भी never मतलब कभी भी disturb परेशान मत करना दूसरों को अपनी खुशी के लिए. यहाँ please यानी अपनी खुशी के लिए कि दूसरों को परेशान कभी भी मत करना. तो आई थिंक कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से शॉर्ट स्टोरी लेकर आऊँगी और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूँ आप लोगों को अच्छे से मैं ट्रांसलेट करके बता सकूँ. तो बाय फॉर द नेक्स्ट टाइम.